हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं स्वीट कॉर्न बना रही हूँ। जो मक्के के भुंटे आते हैं ना, उसी को मैंने उबाल लिया है कम से कम 5-6 सीटी लगाकर। और देखिए, अच्छे से उबल गए हैं और इनको अब छील लेंगे। और देखिए, मसाला कॉर्न जिस तरह मॉल में, दुकान वगैरह में मिलते हैं ना, तो वैसे ही बहुत ही आसान तरीके से 2 मिनट में ही बन जाएंगे। देखिए, उसके लिए मैंने ये काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। और देखिए, थोड़ी सी धनिया ली है और थोड़ा सा ये मसाला है जो इसमें धनिया वनिया सब मिक्स है। और एक काला नमक है और 1 प्याज ले ली है। और 2 छोटे साइज के इसमें नींबू थे तो वो भी ले लिए हैं। और देखिए, इसमें लाल मिर्च भी तीखा वाला, कश्मीरी लाल मिर्च कम तीखा रहता है। और इसको फ्राई करने के लिए बटर लिया है। तो देखिए, बड़े जल्दी से ही आसान तरीके से बन जाते हैं। तो देखिए, अब इसको मैं इस तरह चाकू से छील लेंगे। इसको देखिए, बड़े आसान तरीके से ऐसे करके छिल जाएंगे। तो देखिए, मैंने सारे कॉर्न को अच्छे से बिल्कुल निकाल लिया है, एक दाना, और बहुत ही जल्दी से निकल जाता है। इसको निकालने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और देखिए, एक कढ़ाई गरम कर दी है, उसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। और बटर थोड़ा ज़्यादा ही, इतना ही डाला है। और इसी में अगर आप लोगों के पास बटर नहीं है तो घी भी डाल सकते हैं, घी में भी अच्छे से फ्राई हो जाता है। लेकिन बटर डालने से थोड़ा बाजार जैसा टेस्ट आ जाता है और अच्छा लगने लगता है। तो देखिए, मैंने कॉर्न डाल दिए हैं और इसको 2-3 मिनट तक मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है। इसी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि नमक अगर उबालने में डाल दें तो इसमें नहीं डालें, नहीं तो मैंने इसी में डाल दिया था थोड़ा सा नमक, तो अच्छे से पूरा नमक हो जाता है। और वैसे भी चाट मसाला काला नमक डालेंगे तो सादा नमक इसमें डाल दें तो अच्छे से पूरे में लग जाता है और एकदम बाजार जैसा टेस्ट आता है। अगर बाजार जैसा टेस्ट लाना है तो ये सब कुछ डालिए और घर पर ही अच्छे से अपने बच्चों को बनाकर खिलाइए। क्योंकि इस तरह कोई भी रेसिपी हो, अलग अलग करके बनाते हैं तो बच्चों को भी पसंद आती है। और अच्छी अगर वही चीज़ है, बस भुट्टों को ऐसे भूंज के दे दीजिए, तो वो तो रोज़ वाक के खाने वाले हैं। लेकिन इस तरह से बनाइए और बच्चों को थोड़ा नई रेसिपी उन करके खिलाइए, तो उनको भी मन लगता है खाने में। और देखिए, बहुत जल्दी से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बिल्कुल 5 मिनट लगे थे मुझे बनाने में। और देखिए, मेरे फ्राई हो गए हैं और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है, लाइट येलो येलो दिखने लगा होगा देखिए। और इसमें से बटर की बहुत अच्छी से खुशबू भी आती है। देखिए, इस तरह से जल्दी से ही बन जाती रेसिपी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि छोटा सा ही वीडियो है। तो देखिए, मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब एक कुछ ही में निकाल लेंगे अच्छे से, और उसी में देखिए थोड़ा बड़ा सा हो ताकि उसको मिला देने, तो मैंने इसमें निकाल लिया है। अच्छे से पूरा साफ कर लें और फिर इसमें सारे मसाले डाल देंगे। और इससे बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को, बस उबालने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद तो ये बहुत जल्दी से ही बन जाते हैं, एकदम बाजार जैसा टेस्ट ही मिलता है। और देखिए, अब सारे मसाले डाल देंगे। और थोड़ा सा मैंने इनको सम्राट विराट को निकाल लिया था, क्योंकि ये मिर्च नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको एक कटोरी में अलग से निकाल के रख दिया था। और देखिए, मसाले सारे डाल देंगे। और एक प्याज काट ली थी, अगर आप लोग प्याज नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है थोड़ा प्याज से। तो देखिए, ये मैंने काली मिर्च का पाउडर पीस लिया था और ये चाट मसाला है। और ये हरी धनिया भी बाद में डाल देंगे और नींबू होती, थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डाल दी थी, क्योंकि कलर अच्छा आने लगता है, लाल लाल बढ़िया से अच्छा सा मसाला सा दिखने लगता है। अगर आपके बच्चे लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो मत डालिए। मैंने तो, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते, इसलिए मैंने अलग से उनको निकाल के रख लिया था। और ये देखिए, नींबू, छोटे छोटे नींबू थे तो मैंने 2 कट कर लिए थे इस तरह से। और पूरा अच्छे से मसाला मिला लीजिए। और देखिए, अभी हाल बन के तैयार हो गए हैं स्वीट कॉर्न, एकदम बाजार जैसे, मॉल में भी इसी तरह से मिलते हैं। और इतना ही आप लोग बनाएंगे तो कम से कम 100 रुपए के आएंगे इतना। लेकिन अपने घर पर ही बनाइए और बच्चों को के साथ इंजॉय कीजिए, कितना पसंद आता है। और इस बहुत अच्छे लगे थे, टेस्ट बहुत अच्छे आया था इसका, पूरा मसाला वगैरह सब डाला था ना, तो बहुत अच्छे बने गए थे। आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि कैसे बने हैं, आप लोगों को कैसा लगा है एक वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।
तो देखिए कितने बढ़िया और कलर भी इसका रेड रेड थोड़ा आ गया है। मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी थी और धनिया से थोड़ा अच्छा देखने में लगता है। कोई कोई नहीं डालता है धनिया, बट मैंने डाल दिया था, अच्छा भी लगता है और स्वाद भी अच्छे से आ जाता है। तो देखिए कितने बढ़िया और 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है स्वीट कॉर्न की, तो ज़रूर आप लोग बना के ट्राई करना एक बार। और देखिए कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, मैंने पास से थोड़ा जूम करके दिखाया है। और देखिए सम्राट विराट अब दोनों खा रहे हैं, और सम्राट ने तो ले लिया है लेकिन सम्राट अपना टिफिन भर रहे हैं क्योंकि ये खाते कम है और बस इनको रखने की ज़्यादा रहती है। तो देखिए अपने टिफिन में भर के रख रहे हैं ये। और इस सब विराट से पूछा कैसा लगा, तो कह रहा अच्छा लगा है। इसका वीडियो बहुत आवाज़ आ रही थी तो आवाज़। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए अब रात का टाइम हो गया है, खाना ना खा के फ्री हो गए हैं थे, तो हमने कहा चलो अपना वीडियो ही लास्ट एंड करते हैं। तो मेरा ये स्वीट कॉर्न का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। और प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा स्वीट कॉर्न वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।